चलें वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबका मुंह मीठा करवाता हूँ। आप सब मुंह मीठा करें, कुछ ना कुछ खाएं, फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से वही खा लें, फिर ना बोलना कि दानिश भाई ने कुछ खिलाया नहीं। बाद में पता चले कि बोल रहे हो दानिश भाई मुंह भी नहीं मीठा करवाते और वीडियो स्टार्ट करवा देते हो। ऐसी बात नहीं है भाई, खाओ, खाने के बाद रिलैक्स हो, फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो इस बार हमारी लंबी है, तकरीबन 12 से 15 मिनट की है, तो बोर नहीं होना, ठीक है? हेलो एवरीवन, सब कैसे हो? मेरा नाम दानिश, मैं कुछ टाइम पहले जॉब करता क्या, जॉब अभी भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी अपने खर्चे वगैरह आगे पीछे जो भी है सब कुछ मैं अपनी जॉब वगैरह से ही करता हूँ। और तुम्हें पता होता है कि जॉब वाले तो फिर अपने खर्चे वगैरह पूरे कर सकते हैं, तो फिर इस वजह से मैंने ना अपना एक मेरे अरसलान कज़न है मेरे अरसलान भाई जिन्हें बहुत अच्छे कज़न है मेरे, तो उन्होंने मुझे एक काम बताया। जो जैसे कि पहले मैं तो ऑनलाइन वर्क पे मतलब कोई भरोसा ही नहीं करता था, भाई फ्रॉड है फेक है, जो हर किसी की आजकल यही सोच है कि ऑनलाइन फ्रॉड है ऑनलाइन फेक है, तो मेरा भी यही मानना था कि ऑनलाइन फ्रॉड है ऑनलाइन फेक है। तो फिर मेरे को उसने बोला कि यार तुम मेरे पे भरोसा करो, मेरे पे भरोसा करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये फ्रॉड नहीं है, ये अच्छी है। तो मैंने उस पर भरोसा किया, भरोसा करने के बाद मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली और उसका मुझे नुकसान इतना हुआ कि मैं आज उसमें से कमा रहा हूँ और कमा के अपना जो जॉब तो है ही है वो मैं सारे पैसे घर भेज देता हूँ। जो भी मेरा खर्चा होता है वो मैं अपना उस कंपनी में से कमा के अपना खर्चा पूरा करता हूँ। आपको पता है कि इस टाइम तो खुद का खर्चा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी को फ्रॉड नहीं बोलना चाहिए, किसी भी कंपनी को नुकसानदेह नहीं बोलना चाहिए कि ये नुकसान है फ्रॉड हो जाएगा या ये। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई ये हराम है। भाई हराम वो चीज़ होती है जिसमें मेहनत ना की जाए, जो पैसे को डबल किया जाए। जैसे कि पैसे मैंने 10,000 लगा दिए, 10,000 के मुझे डबल करके मिल गया क्या 5 से 10 मिनट में? भाई हम जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें मेहनत करनी पड़ती है, आप आकर तो देखो आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि लोगों को एक मैं हूँ ना तो मुझे दूसरा बंदा गाइड करेगा तो मुझे उस पर भरोसा नहीं होगा। भरोसा दिलाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है उसका, क्योंकि इतनी कंपनियाँ जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ, फ्रॉड करने की वजह से फिर वो जो है ना किसी भी कंपनी पर भरोसा नहीं करते। तो इसलिए बोलता हूँ कि अपने जो होते हैं ना अजीज उन पर भरोसा करना चाहिए, उनको गलत नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जैसे कि बोलते हैं कि यार ये फ्रॉड है, ये सूद है, हराम है। भाई सूद हराम, जब अगर हम हराम की तरफ जा रहे हैं ना तो हमें हर चीज़ से परहेज करनी चाहिए। ये कंपनी हराम नहीं है, इसमें आप मेंबर बनाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो उस कारोबार के लिए आपको उसके अंदर पैसे लगाने पड़ते हैं। पैसे लगाओगे, पैसे लगाने के बाद फिर ही आप कुछ ना कुछ उसमें से कमा सकते हो। अगर मैं आज शॉप खोलता हूँ, दुकान खोलता हूँ, मेरे उसमें ग्राहक नहीं होंगे तो मैं दोस्त यार को बोलूँगा यार मेरी दुकान पे ग्राहक नहीं है, मुझे ग्राहक चाहिए, आप मेरी हेल्प करो। बोलो आप अपने दोस्तों यारों को बोलो कि मेरे पास वो मेरे से सामान खरीदे, कहीं और से ना खरीदे, मुझे भी कुछ बचत हो, मेरी नई नई दुकान है। तो ऐसे हमारी कंपनी का हिसाब है कि जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तब हमारे पास कुछ नहीं होता है, फिर हम अपने दोस्त को बोलते हैं यार आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ या आप मेरे पास आओ, मेरे से इतने का प्रोडक्ट खरीदो, अगर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं आप मेरे साथ ज्वाइनिंग करो कि आपको कंपनी इतने पैसे देगी, वो मेरे साथ ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन होने के बाद आपको जो है आगे दो, उसको कंपनी का असूल है कि भाई आगे उसमें दो बंदे लाने। जैसे कि मेरा दुकान पर मैंने अपने दोस्त को बोला था यार एक दो मेरे पास ग्राहक लेकर आओ, अब उसने तो ग्राहक मेरे को ला के दे दिए, ठीक है भाई ये ग्राहक है इसको प्रोडक्ट सेल कर दो या बेच दो, ठीक है। मैंने कहा ओके भाई मैं इसको काम भी समझा दूंगा, इससे मैं इसको मैं अपनी चीज़ जो भी मैंने बेचनी है बेच के इससे मैं प्रॉफिट भी ले लूँगा। अब मैंने उसे अपने साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अपने साथ मेरा दोस्त ज्वाइन था, दोस्त के अंडर मैंने उसको ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन किया, अब दोस्त को भी उसका प्रॉफिट आया क्योंकि दोस्त लेकर आया था तो मुझे भी उसका प्रॉफिट आया और जो मेरी अपलाइन थी उसको भी उसका प्रॉफिट किया। तो इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को समझो, समझने के बाद उस पर वाइट करो। काफ़ी लोग होते हैं कि ये जिसमें मैं काम करता हूँ इसमें तो हमें हर दूसरे तीसरे दिन ना एक झटका लगता है, जैसे हम वर्क कर लें, वर्क करने के बाद अभी सोए हुए नींद से उठ रहे होते हैं तो अचानक से मोबाइल, हर किसी की आदत होती है कि मोबाइल को सामने रखना। अब मोबाइल को सामने उठा के जैसे देखते हैं ऊपर इसी पैसा अकाउंट का मैसेज आया होता है, भाई आपको इतने आपके इसी पैसा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो उस टाइम तो बड़ी खुशी होती है कि यार एक किस्म से मुझे पैसे मिले क्योंकि मैंने उस पर मेहनत की थी तो मुझे पैसे मिले। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आज जो है मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, भाई ये इसमें से इनकम नहीं आ रही,
इसमें से ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। भाई आप मेहनत करोगे तो इनकम आएगी ना, आप जब मेहनत ही नहीं करोगे तो इनकम कहाँ से आएगी, इनकम आएगी मुझे बताओ? नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप मेहनत करो इनकम आएगी, अगर ना आए तो अल्लाह ताला ने भी यही बोला हुआ है आप मेहनत करो रोजी देना मेरा काम, आप कुछ करो तो सही। अब मैं बोलूं कि अल्लाह ताला ने ये बोला हुआ है कि मैं किसी को भी भूखा सोना नहीं दूंगा, तो अल्लाह ताला ने ये भी बोला है कि मेहनत करो मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। अब लोग यहाँ के घर पे बैठ जाएं, बिस्तर में लेटे हुए सोए हुए वहाँ पर मोबाइल चला रहे हैं सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं सो रहे हैं, तो इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि खाने को भी नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने यह भी बोला हुआ है साथ में कि आप मेहनत करो रोजी देना मेरा काम है, आपको भूखा नहीं सोने दूंगा। यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस पाएंगे, आप भी अपनी लाइफ में कामयाब होंगे। जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ काफ़ी मेंबर ज्वाइन है जिनमें से तकरीबन मैं बोलता हूँ कि 80% लोग वर्क कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? ये मुश्किल है भाई। कोई काम आसान है मुझे काम बता दो, मैं करना चाहता हूँ आसान, जो काम आसान हो मैं करूँगा, मुझे बताओ कैसे काम आसान हो। कोई भी काम आसान नहीं है आजकल। नौकरियां करते हैं क्या दो दो महीने तीन तीन महीने? सही है, बाहर रहते हैं घर से, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता है। यही हम घर पे बैठे हैं अपने बिस्तर पे बैठ के चार एक डेढ़ घंटा हम काम कर लें, काम करने के बाद हमें वहाँ से कुछ ना कुछ इनकम आ जाए। मैं बोलता हूँ नौकरी से वही अच्छी है। अब हमारे पर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी की वजह से हमें नौकरी करनी पड़ रही है, वरना हम भी घर पे बैठ के कर लेते। जिम्मेदारी जब इंसान पे आती है तो उस जिम्मेदारी के साथ जो फ्री टाइम होता है ना, जिस टाइम पे हम मोबाइल पे फजूल वीडियो देखते हैं, फिर टिकटॉक देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, वो देखना बंद करें, उन्हें छोड़ें। आप वही टाइम किसी अच्छी जगह पे लगा दें। आप अच्छी जगह पे टाइम लगाएंगे आपको वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। अब भाई मैं बोलता हूँ कि मैंने ईबीएल पाकिस्तान ज्वाइन की, मेरे पास आए फोर्सेज वाले, भाई फोर्सेज ज्वाइन करो। भाई मैं कैसे फोर्सेज ज्वाइन करूँ? मैं गरीब हूँ भाई, 3,000-4,000 रुपये मैं फोर्सेज पे 4,000 रुपये कैसे लगाऊँ? अगर मैं गरीब हूँ तो मेरे दोस्त भी गरीब हैं, सही है? वो कोई लैंडलॉर्ड पार्टी नहीं है। अमीर का दोस्त अमीर होता है, गरीब का दोस्त गरीब होता है। तो मैं गरीब हूँ, मेरा काम है वो काम चुनना जिसमें हर गरीब से गरीब बंदा अपनी एक दिन की दिहाड़ी बचा कर उसमें से कुछ ना कुछ बना ले, उसमें लगा दे। लगाने के बाद एक दिन बंदा खुद को मुश्किल में डाल लेता है, सही है? अगर 700-800-900 रुपए में अगर हम कोई कारोबार कर पा रहे हैं ना, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर 1,000 रुपए में भी बंदा करे तो भी मुश्किल नहीं है। एक बंदा की 1,000 दिहाड़ी 800-1,000 होती ही होती है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि वो कंपनी ज्वाइन करें जिसमें आप बंदे आगे भी ज्वाइन कर सकें। फोर्सेज वाले मेरे पास बंदे आते हैं, मेरे दोस्त यार हैं जो फोर्सेज पे वर्क कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं आप ईबीएल पे वर्क ना करो, आप फोर्सेज पे आ जाओ। भाई मैं क्यों फोर्सेज पे आऊँ, आप भी तो हो ना? वो बोल रहे फोर्सेज पे, हाँ हम यहाँ से कर रहे हैं। मैं बोलूँ कितना मेंबर ज्वाइन किया? यार मेंबर बोलते हैं कि मैं 4,000 रुपये नहीं लगा सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आप ऐसा करो कि आप अपने पास से पैसे लगा दो, पैसे लगाओगे मैं आपको जो है उसमें से कमा कर आपको दे दूंगा। भाई जब मैंने ही पैसे लगाने हैं तो मैं अपना एक और अकाउंट ही बना लूँ, जो आपने कमा कर देने हैं वो मैं अपना खुद का अकाउंट लगाऊँ, अकाउंट लगा के मैं उसमें से बनाऊँ आपके अकाउंट, आपके कहने पे कि भाई आपके पैसे मैं भर दूँ। भाई आप अपने पैसे भरो, मैं अपने पैसे भरूंगा, आपने जो कमाना है वो आपने अपनी जेब में रखना है, जो मैंने कमाना है वो मैंने अपनी जेब में रखना है, आपकी जेब में थोड़ी रखना है मैंने। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई किसी के ऊपर नहीं बोलो। अगर जो मैंने अपने मेंबर ज्वाइन किए ना, हम बोल देते हैं कि भाई आप ज्वाइन हो जाओ, आपके साथ मैं हूँ, सही है, आपकी हेल्प करूंगा। हेल्प करने से ये मतलब नहीं होता कि मेंबर भी सारे हम ही उन्हें लगा के दें। भाई मेंबर आप लाओ, अगर आपको कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है या कोई मसला है, कोई भी परेशानी है, अगर आपका पिन नहीं आती या आपकी पेमेंट इशू बन जाता है या आपको विड्रा नहीं हो रहा, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपसे कोई मेंबर लड़ाई कर रहा है, कोई बात है, अगर उसको नई प्लान समझ आ रहा, हम समझाएंगे, उसमें हमारा काम है समझाना। बाकी हमारा काम ये नहीं है कि हम जो है कि उस आपको मेंबर भी लगा के दें, हम आपके साथ हर चीज़ करें। भाई मेंबर लगाने के लिए आप ज्वाइन हुए हो, आपका काम है मेंबर लगाना, आप मेहनत करो। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम हो सिस्टम के हवाले से, किसी चीज़ के बारे में कोई आपको कुछ बोल रहा है उसके बारे में हम उनसे बात कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें तकरीबन मैंने भी 6 महीने साल लगाया है, इतना मुझे भी पता चला है। मुझे कैमरे के सामने एक अल्फाज तक बोलना नहीं आता था। बोल हम वीडियो बनाते थे टिकटॉक पे या वैसे, उस पर भी गाना लगा देते थे, उस पर बोला नहीं जाता था कि यार पता नहीं क्या होगा। आज ईबीएल ने हमें बोलने जैसा छोड़ा है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि अरमान भाई का, जिन्होंने मुझे इस चीज़ में लाए वो, और मैं बोलता हूँ कि मैं उन्हीं का ही अंडर वर्क कर रहा हूँ।
मेरे से एक गलती हुई थी, मैंने एक दूसरी जगह पे भी मतलब कि अपने अकाउंट लगा दिए थे, तीन अकाउंट लगाए थे, तीन अकाउंट कितने 850 के हिसाब से लगा लो, तीन अकाउंट की पेमेंट मैंने वहाँ पे लगा दिए, मैंने उस पर काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे लाने वाला इसमें अरसलान भाई हैं, तो मैं अरसलान भाई के अंडर अगर मैं वहाँ पे काम करता, अरसलान भाई को प्रॉफिट नहीं होता, अरसलान भाई को प्रॉफिट नहीं होता तो मैं तो फिर वही ना कि अपने मतलब कि जो मेरा सीनियर है मैंने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, आगे मेरी जो टीम होगी वो मेरी रिस्पेक्ट करेगी? कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। इसीलिए आप उसके साथ वर्क करें जो आपको इस सिस्टम में लाना चाहता है, ला रहा है। आजकल लोग बोलते हैं कि भाई मैं इंटरनेट से लाखों रुपए कमा रहा हूँ। भाई हम कहाँ हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि हमारी खुद की गलती है, हम इसीलिए नहीं कमा पा रहे क्योंकि हम इस सिस्टम को समझते ही नहीं है। हम इस सिस्टम को समझेंगे, नेट पे काम करना शुरू होंगे तो हमें पता चलेगा भाई पहले दिन में जो आज 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1-1 करोड़ कमा रहे हैं, 80-80 लाख कमा रहे हैं, वो क्या पहले दिन उनसे कभी पूछना कि उन्होंने पहले दिन कमाया? नहीं, उन्होंने सालों मेहनत की है, सालों मेहनत करने के बाद आज वो इस मुकाम पे हैं। क्या 16-17 साल की उम्र से वो काम कर रहे थे, आज उनकी 40-40 साल उम्र है, 45-45 साल उम्र है, तो आप लगा लो, कैलकुलेशन कर लो कितने उनके साल बनते हैं इस सिस्टम में, तो फिर जाकर मेहनत करें। अगर हम भी मेहनत करेंगे, हम छोड़ना नहीं है, हम बोले ना कि हम छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है, छोड़ना बहुत, मैं बोलता हूँ बहुत बड़ी गलती है। वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता जो इंसान छोड़ दे। मैं नौकरी कर रहा हूँ, 30,000-35,000 जितने भी बचते हैं, ठीक है, मैं अपने घर पे बेचता हूँ क्योंकि मुझे अपने घर भी चलाना है, घर वालों को भी बेचना है, तो बस फिर अब मैंने अपना खर्चा कहाँ से निकालना है? पहले मैं सैलरी में से रखता था, अब मैं सैलरी में से नहीं रखता हूँ, जो भी मेरा खर्चा है उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो मैं इसमें से कमा कर ले रहा हूँ। तो ऑनलाइन वर्क करना, इंटरनेट पे वर्क करना कोई नुकसानदेह नहीं है। अगर जिसको नहीं करना आया वो कोई गरीब से गरीब नहीं हो जाता, वो वहीं का वहीं रह जाता है वो जहाँ पे था। अगर बोले ना कि यार अगर ये इसमें मैं कामयाब नहीं हो पाया तो भाई आप मर भी नहीं जाओगे, आप वहीं रहोगे जहाँ पे पहले थे। जो आप 500 रुपये दिहाड़ी पे थे वो 500 रुपये दिहाड़ी पे ही रहोगे। EBL पे काम करने पे या इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पे काम करने से आप अगर वो आपके साथ आप उस पर काम नहीं कर पाते हो, आप उसमें कामयाब नहीं हो पाते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी खराब है, उसमें आपकी गलती है कि आपने मेहनत नहीं की। आप मेहनत करो, आप अपने खुद के गोल को आप सामने रखो। अगर आपको कुछ है ना, तो अगर आपको कुछ कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप कोई वो वीडियो देख लें जिसमें गरीब होते हैं, रोड के साइडों पर लोग बैठे होते हैं, कोई भी XYZ जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो उधार मांग रहे होते हैं, उनकी तरफ देखो, आपके अंदर कुछ इंसानियत खुद आपके अंदर जब देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई मैंने क्या किया आज तक, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अगर हूँ, मैं आज भी अल्लाह पाक ने मुझे बहुत कुछ दिया है, फिर भी एक इंसान को घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो पैसों की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत के लिए आपको कुछ ना कुछ हाथ पांव मारने पड़ते हैं। हाथ पांव मारने से ऐसे हाथ पांव नहीं मारने, हाथ पांव मारने से मुराद ये होती है कि भाई आप कोई ना कोई ऐसा प्लेटफार्म चूज़ करें जिसमें आपको कुछ ना कुछ मिले। मैं आज आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जो भी है उसमें आप मेहनत करें, मेहनत करके आप कामयाब हो। आपने जो भी, अगर मैं इवेंट हूँ तो मेरा काम ये नहीं कि मैं कोर्स ज्वाइन करूँ, मेटा कोर्स ज्वाइन करूँ, आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, कोई और है, DMN है, ये वो है, ई कॉमर्स है, उसके बाद काफ़ी हद तक मैं बोलता हूँ कि हैं उनमें। अब मेरा काम नहीं है कि मैं सब में पाँव फैलाऊँगा तो मेरी टांगें यूँ चौड़ी हो जाएंगी, वहाँ की वहाँ नहीं रहेंगी। तो भाई मैंने वही इतने पाँव खिलाने जो मैं बर्दाश्त कर सकूँ। तो मैं आज EBL पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत लोग आए भाई खुलाने में, काम कर रहा हूँ खुलाने में। आज भी मेरे मोबाइल में तकरीबन 50 से ऊपर कंपनियों के ग्रुप हैं, मैंने उनको कभी खोल कर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी मैं तब उन्हें खोलूँगा। अगर मुझे लगेगा कि वो हैं, मुझे EBL से कुछ नहीं मिल रहा, EBL पाकिस्तान से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं इससे अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो फिर मैं किसी दूसरी तरफ जाऊँगा। जब मुझे इसमें से पैसे आ रहे हैं, जब मैं काम कर रहा हूँ तब भी आ रहे हैं, जब टीम काम कर रही है तब भी आ रहे हैं, मैं काम नहीं करता। अगर मैं जॉब पे हूँ, ड्यूटी पे हूँ, मेरी टीम अगर वर्क कर रही है, मेरे पास मोबाइल मैं बेच देता हूँ, मैंने अपना मोबाइल बेच दिया, मेरी टीम काम कर रही है, तो मैं उस टीम के ज़रिए भी मुझे पैसे आ रहे हैं। खाली मुझे मेरी खुद की इनकम नहीं आ रही, मुझे टीम भी इनकम कर रही है। अगर मेरे अरसलान भाई सीनियर हैं, अगर वो मेंबर लगा रहे हैं, तो वो अगर मेरे अंडर मेंबर लगा रहे हैं, उसकी मुझे भी इनकम आ रही है। मेरे टीम में तकरीबन मैं
थैंक यू बोलना चाहता हूँ अरसलान भाई को। 13 से 14 मेंबर मुझे एक सपोर्ट दी है अरसलान भाई ने कि 13 से 14 मेंबर उन्होंने मेरे एक साइड पे लगाए, एक साइड पे मैंने खुद लगाए। सही है, आज मेरी अच्छी खासी टीम है और मेरे इसमें ईमेल में तकरीबन 4 से 5 अकाउंट हैं। 3 अकाउंट तो एक मैंने छोड़ ही दिया ना कि वो मैंने पैसे लगाए, मैंने वो दफ़ा हो जाए वो पैसे, मैं उनको वर्क नहीं कर रहा। आज मैंने जो वर्क किया है वो मैंने अपने एक ही साइड के अकाउंट पे किया है जिसमें मैं अपलाइन अरसलान भाई है और उनसे भी फिर अपलाइन वो जो है हमारे सर वसीम है। तो मैं बोलता हूँ माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनकी बहुत अच्छी टीम है, तो अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और हमें भी उनके जैसे बनना है। फिर उनके भी अपलाइन है जो जानजेब है, सर जानजेब, अक्सर जानजेब ने भी बहुत मेहनत की है, उनकी भी अच्छी टीम। वो तो मैं बोलता हूँ 8899 रैंक उन्होंने कम्प्लीट किया हुआ है, अब वो 10 रैंक के करीब है। तो फिर मैं भी इंशाल्लाह जो उनके जैसा पहुँचूंगा, चाहे मुझे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मैं मेहनत करता रहूँगा, काम का करता रहूँगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।